जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम सीखेंगे कुछ इस तरह के खास सम जो हमारे एग्जाम में आते हैं लेकिन बहुत इजी हैं, जो बच्चों को समझ नहीं आते। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम इस सम को कैसे करेंगे। ये देखिए, रूट है और रूट के अंदर एक ही जैसा नंबर है और सभी यहाँ पर प्लस में है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 6 को बाहर लिख लें, ठीक है। उसके बाद 6 के करें हम गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3 में से माइनस करेंगे 2 तो हमारा आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस लगा है, ओके, प्लस लगा है ना, सॉरी, यहाँ पर देखिए प्लस लगा है। तो जब भी प्लस होगा तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला नंबर, यानी कि 6 के हमारे गुणनखंड है 2 गुणा 3, लेकिन हमारा आंसर होगा 3 क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 रूट प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, सो ऑन, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो वो क्या है हमारे, 3 गुणा 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में होगा तो हमारा आंसर, पहले तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 4 में से 3 गया तो 1, हमारा डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए गुणनखंड का। अब क्योंकि प्लस में है तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला नंबर, यानी कि आंसर आएगा 4, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर √6 माइनस √6 माइनस √6, सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले 6 को बाहर लिखेंगे, 6 के लिखेंगे गुणनखंड जो कि है 2 गुणा 3। ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पे देखिए क्या नई चीज़ है, यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो जब माइनस में होगा ये सम तो हमारा आंसर होगा छोटा वाला नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस, सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले 20 को बाहर लिखिए, 20 के करेंगे गुणनखंड तो क्या होंगे, 4 गुणा 5, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में से 4 गया तो 1, हमें ऐसा ही नंबर चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में होगा तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला नंबर, यानी कि हमारा आंसर है यहाँ पर 5, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √30 माइनस √30 माइनस √30, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन आगे जा रहा है। अब सबसे पहले 30 को यहाँ लिखेंगे, 30 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर, 5 गुणा 6, यानी कि डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो चल रहा है माइनस में, तो माइनस में होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला नंबर, यानी कि हमारा आंसर है 5, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 √ 72 + √ 72, सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले 72 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 गुणा 9, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, यानी कि 9 में से माइनस करेंगे 8 को तो 1, ठीक है। इसका मतलब हमारे गुणनखंड ठीक है। अब यहाँ पे सम हमारा प्लस में है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, यानी कि 9 हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अभी तक तो हमने ऐसे नंबर लिए जिनके गुणनखंड इजीली हो रहे थे, अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। ओके, तो यहाँ पर देखिए √3 + √3 + √3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब तीन के हमारे गुणनखंड नहीं हो सकते, देखो तीन नहीं होगा, चार के गुणनखंड होंगे 2 × 2, लेकिन इनका अंतर एक नहीं है। ओके, यदि हम पाँच लें तो पाँच तो अपनी ही टेबल में आता है, वो भी नहीं हो सकता। अब हम लेंगे छः, तो देखो छः के गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 × 3, और इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते और वो प्लस में है, किस में है, प्लस में, तो हम आगे वाले नंबर देखेंगे। देखो जैसे 3 के बाद हमने 4 देखा, 5 देखा और फिर 6 देखा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, एक तो हमें 3 से आगे जाना है, मीन्स आगे वाले नंबर, जैसे 3 के बाद 4, 5, 6, और ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके गुणनखंड 2 और 3 हो, ठीक है, और उनका जो है अंतर है वो 1 हो। ठीक है, तो हमने ये गुणनखंड ढूंढ लिए, अब इसमें हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2 और 3 के बीच में, तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर 2 एवं 3 के बीच। ओके, अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन, यदि यहाँ पर 3 + −3 √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 − √3 −
क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये माइनस में है। अब माइनस में होगा तो हमें उल्टी तरफ जाना होगा, यानी कि 2, 1, 0 पे हमें चेकिंग करनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब देखिए माइनस में है तो हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे, यानी कि 3, 2। ठीक है, तो 2 के गुणनखंड देखते हैं। 2 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 2, और दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा, यदि माइनस है तो हमें उल्टी तरफ जाना है, और इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, 1 एवं 2 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। √5 + √5 + √5 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो ये प्लस में जा रहा है तो हम 5 से आगे जाएंगे, यानी कि 5 के गुणनखंड नहीं हो सकते, हम बात करेंगे 6 की। तो 6 के गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। वेरी सिंपल। ओके, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं हम, 11। देखो √11 - √11 - √11 सो ऑन। ठीक है, अब 11, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो हमें 11 से उल्टी गिनती शुरू करनी होगी, यानी कि 10, 9, 8, 7, और गाड़ी अगर रुकेगी 6 पर, क्योंकि उससे पहले किसी के भी गुणनखंड ऐसे नहीं हैं जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसका आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच में। ठीक है, 2 एवं 3 के बीच में। अगले पेज पर चलते हैं, अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हमने लिया था माइनस में, अब हम लेंगे √11 में प्लस में। √11 + √11 + √11 + √11 सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ प्लस में है तो हमें 11 के बाद जाना है, जैसे 12, 13, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 12 पे ही ख़त्म हो रहा है। क्यों, 12 के गुणनखंड 3 और 4, इनका डिफरेंस 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3 एवं 4 के बीच में। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
रूट 19 प्लस रूट 19 प्लस रूट 19। ओके, अब देखिए 19 है और प्लस में है तो हमें 19 से आगे जाना है, मीन्स 20 21। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ 20 पे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 20 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर, 4 और 5। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 4 गया तो 1, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 4 एवं 5 के बीच में। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। √1 + √1 + √1 + so on। ठीक है, अब यहाँ 1 की बात हो रही है और प्लस में है, ठीक है, प्लस में है ना, तो 1 से आगे जाएंगे यानी कि 2 3, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 2 पर ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 के गुणनखंड 1 × 2 कितना होता है, 2, और डिफरेंस 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये माइनस में होता तो 1 − √1 − √1 − so on। ठीक है, अब देखो माइनस में है तो हमें उल्टी गिनती में जाना है, यानी 1 से पहले क्या आता है यहाँ पर, 0। ठीक है, तो 0 × 1 कितना हुआ, 0, और यदि हम 1 में से −0 तो हमारा आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ होगा 0 एवं 1 के बीच में। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस में था तो माइनस में होगा तो उल्टी गिनती में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दिया है कि देखो गुणा में है √2 √2 √2। ओके, और यहाँ पर डॉट है। ठीक है, एक तो ये गुणा में है ऊपर से डॉट है, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 2, ख़त्म। ठीक है, अगला एक एग्जांपल देखते हैं। 3√3√3। अब इसमें 2 पहचान है, एक तो ये गुणा में है कोई निशान नहीं है, दूसरा यहाँ पर डॉट्स हैं। जब भी सेम नंबर गुणा में हो और यहाँ पर डॉट हो तो हमारा आंसर वही है जो अंदर, यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर सब गुणा हो रहे हैं और यहाँ पर डॉट है, यानी कि हमारा आंसर है 3। ओके, अब अगला, यदि मान लीजिए डॉट ना हो, ठीक है, मान लीजिए ये जो डॉट है देखिए ऐसे 2 2 2 और ये 2, अब यहाँ पर डॉट नहीं है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 को बाहर लिख लें। ठीक है, और जितनी बार वर्ग है इसको हम गुणा करते जाएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 16 में से 1 घटाया तो 15, ये हो गया हमारा आंसर। एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसी के जैसा, 3 √3 √3 √3, और यहाँ पर डॉट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 लिख लें, उसके बाद 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32, यहाँ 32 में से 1 माइनस किया तो 31। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 5 √5 √5 √5 √5, यहाँ पर डॉट नहीं है और ये सब गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 को बाहर लिख लें, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 32 में से 1 माइनस किया तो 31, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।